नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अलाहाबाद बैंक या फिर किसी भी बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं पैसे बाजार वेबसाइट के मदद से। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट। दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है paisebazaar.com वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आ सकते हो। और वहाँ पे क्लिक करने से पहले आप ये वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, यदि आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो बिजनेस लोन पर क्लिक करना है। तो लेकिन फिलहाल हम जो है पर्सनल लोन पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल लोन कैसे लेते हैं वही हम देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी बैंक से जो है, आप किसी भी बैंक के जरिए से यहाँ पे लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अभी सेलेक्ट करना है आपका डिजायर लोन अमाउंट, यानी कि आपको कितना लोन लेना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप सैलरीड, यानी कि महीने में सैलरी लेके काम करते हो, या फिर बिजनेस ओनर हो, या फिर आप प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका मंथली इनकम कितना है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर दोस्तों इनवैलिड मोबाइल नंबर मत देना, क्योंकि आपको एक OTP आएगा, वो यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। तो आपका सही मोबाइल नंबर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपका सिटी भर दीजिए, और आपका सैलरी आप कैसे लेते हो, आपको सैलरी किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है, बैंक ट्रांसफर के जरिए से आपको सैलरी मिलता है, या फिर चेक के जरिए से, या फिर कैश के जरिए से, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप सैलरी कौन से बैंक अकाउंट में लेते हैं वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम भरना होगा, और आपका जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए, महिला है तो फीमेल या फिर मेल, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पिन कोड भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर भरना होगा। दोस्तों, पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी है, ये आपको भरना ही है, ये नहीं भरने से आप आगे प्रोसीड कर नहीं पाएंगे, ये आप भर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपना ईमेल आईडी भरना है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक कोड मिलेगा आपका मोबाइल नंबर में, वो कोड आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे भर दीजिए। वो 4 डिजिट का कोड भरने के साथ साथ आपका वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई दिखाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पे आपको मार्क कर देना है, वहां पे मार्क करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आप इस पेज पे आते हैं, आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको अपना कंपनी का नाम आपको यहां पे भरना होगा, ठीक है। तो आपका कंपनी का नाम जो भी आप यहाँ पे भर दीजिए। आप कंपनी का नाम भरने के बाद में यहाँ पे सजेशन भी दिखाएगा, आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप भर सकते हो यहीं से। उसके बाद में आप जो है फिलहाल कोई EMI आप पे करते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हो वो पे करते हो, तो महीने में कितने करते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका योर टेन्योर इन द करेंट कंपनी, तो आपका कंपनी में आप कितना हो चुका है अभी आप काम किया हुआ, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका जो रेसिडेंस है, यानी कि आपका जो घर है वो आप रेंट में लिया हुआ है, या फिर आपने खरीदा हुआ है, जो भी है, या पेइंग गेस्ट है, वो सारा कुछ आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में व्यू बेस्ट ऑफर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको दूसरा पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं लोन लेने के लिए, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 2 बैंक यहाँ पे लोन दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक ICICI दे रहा है, यहाँ पे एक कैश 90 दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 मुझे लोन जो है वो लोन दे रहा है, एक मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए दे रहा है, और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल के लिए दे रहा है, ठीक है। 3 साल तक EMI करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और महीने का कितना पड़ता है EMI, 1770। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 16.50%, और प्रोसेसिंग फी यानी कि 1125
प्रोसेस करने के लिए एक बार के लिए ही मुझे देना होगा, ठीक है? तो दोनों में चाहो तो मैं जो भी ले सकता हूँ, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए तो मैं ये लेना पसंद करूंगा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मुझे तो सिर्फ दो ही शो कर रहा है, ये स्टेट के अकॉर्डिंगली और आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बैंक शो करेगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली और यहाँ पे आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी बैंक शो नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो है क्रेडिट रिपोर्ट सही नहीं है, स्कोर सही नहीं है, तो ये पेज में आपको बताया जाएगा कि इन लोगों के जो भी आपने जो भी डिटेल्स भरा है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा मैसेज भी आपको यहाँ पे दिखा सकता है। यदि वो केस है तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हो। आप एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है या फिर टूल फ्री नंबर दिया गया है, आप चाहो तो पैसेबाजार.com का टीम से आप बात कर सकते हो किस वजह से अवेलेबल नहीं है, या फिर आप जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। तो यदि आपका इस प्रकार से ऑप्शन आता है, डेट मीन्स आप एलिजिबल हो, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपका जो टेन्योर है, आप जो ईएमआई देना चाहते हो मैक्सिमम 6 साल के लिए आप ईएमआई दे सकते हो ईएमआई, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई का, हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये इंस्टेंट अप्रूवल है, ठीक है? इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाएगा। तो ये हमें फाइनल पेज हम पहुँच चुके हैं। तो जैसे हम ये पेज में पहुँच जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा लोन जो है वो 100% कन्फर्म है। आप देख सकते हो हमारा लोन जो है वो 50,000 का है, इंटरेस्ट रेट है 16.50%, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 साल का टेनर रहेगा, ठीक है? प्रोसेसिंग फी 1,125 और ईएमआई मुझे महीने पे 1,770 रुपया मुझे देना होगा, ठीक है? तो दोस्तों चलिए हम फिलअप कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको फिलअप करना है, लास्ट नेम और जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, एड्रेस लाइन लाइन टू सेलेक्ट करना है, सिटी पिन कोड, और यहाँ पे आपका प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। यदि आपका प्रोफेशन अवेलेबल नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका कंपनी सेलेक्ट करना है और डिजिग्नेशन आपका सेलेक्ट करना है, अदर सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली। उसके बाद में यहाँ पे 3 ईयर्स पहले से ही सेलेक्ट हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपको मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑफिस का एड्रेस आपको भरना है, लाइन टू पे भी भर दीजिए। उसके बाद में आपका स्टेट और सिटी, उसके बाद में आपका ऑफिस का पिन कोड और ऑफिस का एसटीडी कोड भी भरना होगा, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर आपको भरना है, और फाइनली आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भरना है, ठीक है? तो ये सारा कुछ भरने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है ये मार्क कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करते हो, आपका जो है ये लोन जो है आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा, और पैसे बाजार डॉट कॉम जो है वो आपका फॉर्म को रिसीव करेगा, और उसके बाद में आपको एक कॉल आएगा पैसे बाजार डॉट कॉम का तरफ से, और आपको कुछ वेरिफिकेशन के लिए बातचीत पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, और आपका जो है बैंक लोन जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अप्रूव होने के बाद में दोस्तों जो है आप अपना लोन जो है वो ले सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी के साथ पैसेबाजार.com में आके आप चेक कर सकती हो आप एलिजिबल हो कि नहीं बैंक लोन के लिए, और आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, ये सारा कुछ आप यहाँ पे पैसे बाजार में आके कर सकते हो। यदि आपको और भी कुछ परेशानी होती है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और कोई भी परेशानी आती है आपका बैंक अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप टूल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो, ऊपर पे दिया हुआ है, ठीक है? और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा ये टूल फ्री नंबर, आप चाहो तो पैसे बाजार टीम से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी बैंक का लोन आप अप्लाई कर सकते हो पैसे बाजार वेबसाइट के जरिए से। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय।